इसका मतलब क्या कि किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, डिपेंड ऑन मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब जो चार्ज मोशन करते हैं उसको मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्ज इन लोगों ने बताया। क्योंकि सभी मटेरियल में डिफरेंट चीज होती है। एज फॉर एग्जाम्पल कि सपोज कंडक्टिंग मटेरियल, पहले भी चीज एक्सप्लेन की थी, कंडक्टिंग मटेरियल है तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स से उससे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होगा तो इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आयन अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेंगे। गैसियस फॉर्मेट के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। ओके, और सेमी कंडक्टर के अंदर होल और फ्री इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। ओके, तो डिफरेंट फोर एमसीक्यू है कि कंडक्टिंग मटेरियल में करंट कैसे पास होगा, तो आप लिखेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन से। बाद में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर तो लिखेंगे आयन की, आयन जो है उसकी अपोजिट डायरेक्शन वाली मोशन से। गैसियस फॉर्मेट के अंदर तो बोलेंगे पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन से। और सेमी कंडक्टर के अंदर तो उन लोगों ने बताया कि सेमी कंडक्टर जो होता है उसके अंदर होल्स और इलेक्ट्रॉन से क्लियर मतलब इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। अब उन लोगों ने मोबिलिटी बताया। मोबिलिटी मतलब क्या होता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आप 1 न्यूटन अपन कूलम्ब लेंगे तो जो वेलोसिटी उसको मोबिलिटी बताया जाता है। मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब सबसे पहले तो इसके लिए आप लिखेंगे तो ये वोल्ट अपॉन मीटर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, मतलब ये सेकेंड जिससे भी आप लिख सकते हैं। तो पहली यूनिट मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, ये पॉसिबल है। ओके चलो, इससे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखनी है तो इजी वही होगा। सबसे पहले एल स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, इसके लिए क्या लिखेंगे, एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, बराबर है जो लिखा है। ओके चलो, एल टू एम वन एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन, तो इसका मतलब क्या हुआ, एम रेस्ट टू माइनस वन, एल जीरो ए रेस्ट टू, ए रेस्ट टू वन, ए रेस्ट टू, ए रेस्ट टू वन। तो इस तरह की डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगी। एक चीज याद रखो, मोबिलिटी के बहुत सारे यूनिट है, अभी डिफरेंट यूनिट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मोबिलिटी के बहुत सारे यूनिट है। ओके, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलवेज यही बनेगी, क्लियर। अब म्यू इज इक्वल टू वीडी अपन, क्या लिखा हमने, ई वीडी अपन, उन लोगों को तो डिफरेंट डिफरेंट के हिसाब से बताया कि सपोज आप न्यूटन अपन कूलम्ब भी लिख सकते हैं, पीडी वो तो मीटर पर सेकेंड, इसको न्यूटन अपॉन कूलम, न्यूटन अपॉन कूलम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसको ज्यादा चेंज करना है तो ये भी चेंज हो सकता है, मीटर पर सेकेंड कूलम, क्या रखें के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर मीटर कैंसिल, सेकेंड सेकेंड कैंसिल, तो क्या होगा, कूलम इनटू सेकेंड अपॉन केजी। ओके, तो ये एक सेकेंड यूनिट, ये फर्स्ट यूनिट, ये सेकेंड यूनिट है। तो नंबर ऑफ यूनिट इससे हम क्रिएट कर सकते हैं और हर बार ये कुछ ना कुछ चेंज मिल सकता है। ओके, एक और यूनिट, चलो ये दोनों पता चल गया, डायमेंशनल फॉर्मूला एम माइनस वन एल जीरो। ओके, यहाँ से भी डायमेंशनल फॉर्मूला बना कि इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्मेट में बनेगा, ठीक है, टू रेस टू वन, ई रेस टू वन, क्या होगा, एम रेस टू वन, सो एम माइनस वन एल जीरो टी रेस टू वन क्यू रेस टू वन, ये इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मेट में आया, ये इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्मेट में आया। ओके, तो यूनिट कितनी हुई, फर्स्ट, ये सेकेंड, दो डायमेंशनल फॉर्मूला हुई। तीसरी यूनिट, थर्ड यूनिट और देंगे, आज हमने वो वीडी की फॉर्मूला लिखी थी, ई इंटू ई टाउ अपॉन एम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इसको भी हम लिख सकते हैं वीडी अपॉन ई, ये भी पॉसिबल है। ओके, और इसके
भी मिल सकते हैं क्लियर। तो आप इसमें चेंज कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉन मतलब कूलम ये टाइमिंग केजी वही यूनिट आई उस टाइप की यूनिट रहेगी। ओके इससे भी लिख सकते हैं I is equal to N E A V D ओके लेकिन अभी इससे हमने लिखा है तो VD is equal to क्या लिखें mu E इस टाइप की फॉर्मूला क्रिएट हो सकती है। ओके और इससे म्यू लिखना है आई अपॉन एन ई ए इससे उन लोगों ने यूनिट बनाया तो बहुत लंबी यूनिट एम्पियर नंबर डेंसिटी मतलब मीटर इज टू माइनस थ्री इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम इसके लिए क्या लिखेंगे मीटर स्क्वायर ई ई के वोल्ट अपॉन मीटर। ओके तो इससे कैलकुलेट करके आप चेक करो कि कौन कौन सी चीज बाकी बचेगी तो एम्पियर। ओके मीटर इज टू माइनस टू वोल्ट इंटू कूलम लेकिन ओम्स लॉ यूज करेंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं वन अपॉन मीटर इज टू माइनस टू वोल्ट अपॉन एम्पियर इनटू कूलम वोल्ट अपॉन एम्पियर मतलब वी अपॉन आई रेजिस्टेंस हो जाएगा चल उसको ऊपर लेंगे तो टू उसको ऊपर लेंगे तो रेजिस्टेंस की जगह ओम की जगह मो ऐसा लिखेंगे और ये क्या होगा कूलम रेस टू माइनस वन ये भी यूनिट है मतलब मोबिलिटी की डिफरेंट यूनिट है लेकिन डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला वही के और क्यू के फॉर्मेट में और मोबिलिटी का मतलब क्या होता है तो उन लोगों ने बताया कि मोबिलिटी मतलब द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड उन लोगों ने सभी यूनिट डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट करके दिए है। ओके तो स्टेप्स आप चेक करो तो उन लोगों ने तीनों यूनिट देखो सबसे पहले उन लोगों ने 15 16 और 17 तीन क्वेश्चन ऐसे बताए जिसमें सभी मोबिलिटी की इंफॉर्मेशन दी जिसमें डिफरेंट डिफरेंट यूनिट बताए। ओके हाँ सभी यूनिट याद रखें दो डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला याद रखें उसकी डेफिनेशन याद रखनी है। ओके तो जिससे क्या होता है एमसीक्यू में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आज तीन टॉपिक कंप्लीट हुए सबसे पहले बताया हमने करंट डेंसिटी उसके बाद आया करंट डेंसिटी बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसके बाद आज जो कंप्लीट की वो मोबिलिटी। ओके और कल से जो होगा वो एक डिफरेंट ओम्स लॉ का फिर से रिक्रिएट करना शुरू करेंगे कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होगी टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा कितने टाइप के रेजिस्टेंस है वो नेक्स्ट वीडियो में फिर से कंप्लीट करना शुरू करेंगे। आज लिखना क्या है बताता हूँ सबसे पहले 11 नंबर लिखने के बाद डायरेक्ट 13 लिखेंगे 12 लेफ्ट करो 11 बाद में 13 ओके 13 के बाद 15 16 और 17 11 13 15 16 और 15 16 17 बहुत छोटे हैं सिर्फ यूनिटी एक्सटेंड किया है लेकिन इतना कंप्लीट कर लेना है। क्लियर अभी मोबिलिटी में कोई डाउट नो सर चलो एक बार रिपीट करो ना कौन सा पूरा क्योंकि मैंने बहुत सारे यूनिट निकाल दिए इसे बोल रहा हूँ किस यूनिट में प्रॉब्लम हुआ सर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन ओके क्वेश्चन नंबर 11 नंबर 13 नंबर ओके और 15 16 और 17 इसके पास मटेरियल है ना इसके पास वो टेक्स्ट आपने अंदर दी है वो डायरेक्टली चेक करो बुक के अंदर मैंने सब बुक से मैंने क्वेश्चन बताया और हो सके तो साथ में मतलब जब कंटिन्यू करते लेक्चर तो उसको साथ में रखो पता चले क्या पढ़ा क्या लिखा है सब कुछ अंदर लिख के दिया है। क्लियर ओके सर हाँ क्योंकि इसमें सिर्फ डेफिनेशन है कि आपको मोबिलिटी का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन लोगों ने 15 16 17 क्वेश्चन क्यों बनाया कि डिफरेंट थ्री यूनिट्स एक्सप्लेन किए डिफरेंट थ्री यूनिट्स उन लोगों ने एक्सप्लेन किया डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला दोनों के लिए इक्वल रहेगी टेक्स्ट बुक के अंदर आपको ऑलवेज डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला ए के फॉर्मेट में देंगे ए वाई
ओके, लेकिन आप क्यू वाली फॉर्मूला भी साथ में क्रिएट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि आपको कभी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बहुत सारी बार कॉम्पिटेटिव में और गुच्छे में पूछा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए आप क्यू कंसिडर करो, तब डायमेंशन फॉर्मूला चेंज हो जाएगी। क्लियर? आज इतना रखेंगे, इतना कंप्लीट कर देना है होमवर्क के तौर पर। हम ग्राफ वाली जो मेथड है वो सब कंप्लीट कर देंगे। ओके, डन, फिनिश करते हैं।